हम जितना सोचते हैं समस्या को उतना ही असली बना देते हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपकी बहुत बहुत मदद करेगी, और वो बातें मेरी नहीं लेकिन इतनी गहरी है, अगर तुम समझो तो। सिर्फ ये नहीं है कि समस्या तुम्हारी हस्तमैथुन या वीरनाश की हो, नहीं, जीवन की जितनी सी बड़ी से बड़ी जो समस्याएं भी हैं, जिनसे परेशान हो, तुम्हारे घर की हो या तुम्हें लेकर, तुम्हारे फ्यूचर, तुम्हारे गोल, किसी को भी लेकर परेशानी हो, तो आज तुम्हारे सवाल सुलझने वाले हैं, पर उनके ही सुलझेंगे जो गहराई से बात को समझेंगे। तो वीडियो को ये समझकर मत लेना कि यहाँ वीर की बात नहीं हो रही, ब्रह्मचर्य की बात नहीं हो रही, हस्तमैथुन की नहीं हो रही, नहीं, यहाँ उस जड़ की बात हो रही है, जिसे अगर हम सब समझ जाएं तो जीवन की सारी परेशानी गायब हो जाएगी। अभी लग रहा होगा कि मैं ऊपर से बात बोल रहा हूँ, नहीं, वीडियो में जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तुम्हें पता चलता जाएगा कि हाँ इन बातों में कितनी सच्चाई और कितनी गहराई है। तो आगे बढ़ते हैं। घास के तिनके को देखा होगा आपने, घास को, एक घास के तिनके को कोई समस्या नहीं होती अपने जीवन को लेकर, कोई उसे कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन जब घास के तिनके को बता दिया जाता है कि तू नारियल के पेड़ के जितना क्यों नहीं है, तब उस घास के तिनके में हीन भावना पैदा होती है। समस्या का बीज होता नहीं है पर जबरदस्ती डाला जाता है। घास के तिनके से अगर पूछो तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब उसे ये बता दिया जाता है कि तू उसके जितना लंबा क्यों नहीं है, जब वो समस्या का बीज डाल दिया जाता है, तब बनता है जीवन का नर्क। अब तिनके को लगेगा, ये सोच उठेगी कि सब पूरे हैं, बस अधूरा मैं हूं। हमें ये धारणा दे दी जाती है, जो धारणा होती नहीं है, लेकिन जबरदस्ती धारणा दे दी जाती है कि हम अधूरे हैं। और जब वो धारणा एक बार मन में चली जाए तब बेचैनी की तड़प उठती है। काले को बता दिया जाता है कि तेरे रूप में खोट है, तू उसकी तरह गोरा क्यों नहीं है। अगर एक काले इंसान से पूछो तो उसे अपनी जिंदगी में कोई रुकावट आई नहीं, वह हर वो काम कर सकता है जो एक गोरा इंसान कर रहा है, उसकी जिंदगी में कोई भी रुकावट नहीं है। लेकिन जब ये बीज, ये धारणा उसके अंदर डाल दी जाती है कि तू तो काला है, और जब तू काला है तू गोरा नहीं है, तो यानी तुझ में खोट है, और असल में खोट थी नहीं, डाल दी गई, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ डाली जाती है। अभी वीडियो में टिके रहना, ये मत सोचना कि यहाँ हमारी बात समझ में नहीं आ रही, वीर्य की बात नहीं हो रही। बात को गहराई से समझो, वृत्ति की पूरी जड़ कट जाएगी अगर इसे समझ लिया। हम जितना सोचते हैं समस्या को उतना असली बना देते हैं। अब जो जो आपके अंदर ऐब हैं, जिस आदत और वृत्ति से आगे बढ़ना चाहते हो, जिस परेशानी से तुम्हें लगता है उभर नहीं पा रहे, उससे मेरी इन लाइनों को रिलेट करना। तुम जितना ज्यादा किसी भी चीज को गंभीरता से लेते हो, अब कुछ भी हो सकता है वो चीज, सेक्स को मान लो, कुछ भी, उस मुद्दे को जितना ज्यादा गंभीरता से लोगे तुम उस चीज का महत्व बढ़ा देते हो। हमें लगता है कि पूरी दुनिया इसी मुद्दे में फंसी है, पर असल में उसे बड़ा हमने बनाया है। पूरा संसार सिर्फ सेक्स रह गया है, स्त्री पुरुष का संलग्न ही जीवन का सबसे बड़ा आनंद हो गया है। ये भी लगता होगा कि सेक्स के सिवा जीवन में और बड़े आनंद है ही नहीं, बस यही चीज बची है, या और कोई आपकी वृत्ति हो जो आपको लगता है, लेकिन वो लगा कैसे, क्योंकि हमने उसे गंभीरता से ज्यादा लिया, दिन रात उस मुद्दे के बारे में सोचते रहे। मुद्दा असल में बड़ा नहीं था, पर बड़ा उसे हमने बना दिया। अब इस लाइन पर ध्यान देना, तुम्हें ऐसा लगता होगा ना, जो महत्वपूर्ण होता है हम उसको गंभीरता से लेते हैं, ऐसा ही लगता है ना आप सभी को, कमेंट में बताना। लेकिन असल में सच इसका विपरीत होता है। वो क्या है, चूंकि तुम गंभीरता से लेते हो इस कारण वो महत्वपूर्ण हो जाता है, वरना सच कहूं तो कुछ भी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भी वस्तु, कोई भी देह महत्वपूर्ण है ही नहीं, हम बनाते हैं उसे। अब इस वीडियो को ना जाने कितने लोग देख रहे होंगे, अब उन्हीं में आप देखो, तुम्हारे लिए जो महत्वपूर्ण होगा वो किसी और भाई के लिए जो इस वीडियो में देख रहे हैं उनके लिए इतना महत्वपूर्ण ना होगा, ऐसा है या नहीं, आप बताओ। किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्यों है, अगर महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण होता तो वो महत्वपूर्ण सबके लिए महत्वपूर्ण होता, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ और किसी और के लिए कुछ और, ऐसा कैसे। तो ऐसा इसीलिए, तुम जिस पर ठप्पा लगा देते हो वही महत्वपूर्ण हो जाता है, वरना संसार में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। और इसके मूल में जाओ तो ये सब डाला गया है तुम्हारे मन में,
तुम मुझे बताओ, जिसे तुम गंभीरता से लेते हो, तुम्हें कैसे पता कि वो गंभीरता से लेने लायक है या नहीं? तुम जब 10वीं क्लास के बोर्ड पेपर दे रहे होंगे, जब उसका रिजल्ट आ रहा होगा, तब तुम्हारा दिल एकदम धक धक कर रहा हो, करता है ना? और जब तुम चौथी में थे तब भी ऐसा ही था, और आज नौकरी के लिए ऐसे ही धक धकाते हो, और जो नौकरी में है वो आगे की तरक्की के लिए धक धकाते हैं। तो समस्या ये है कि जो जहाँ पर है उसे वहीं पर लगने लगता है कि वो बड़ा कीमती है, और जब पीछे मुड़कर देखते हो अपने पीछे के समय में, तब तुम्हें लगता है कि पता नहीं किन फालतू चीजों को महत्वपूर्ण कह रहे थे, इनके लिए रो रहे थे। हमें लगता था कि ये तो हमारी सांसें हैं, ये ना होगी तो ऑक्सीजन ही ना मिलेगी, ऐसा ही होता है ना? लेकिन असल में वो कीमती है ही नहीं, क्योंकि हम सब सजग नहीं रहते हैं, होश में नहीं रहते, इसीलिए कभी ये उम्र आई, कभी कुछ इधर से आया, कभी उधर से आया, और सभी को महत्वपूर्ण कीमती समझना शुरू कर देते हो, और फिर बड़े गंभीर रहते हैं, और फिर लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रखा है हमने। तो अब उदाहरण के लिए तुम खुद ले लो, हम जब बच्चे थे, जब हमारे खिलौने टूट जाया करते थे, तो हमें लगता था पूरी दुनिया नष्ट हो गई, याद है ना आपको? आज के बच्चों को ले लो, जब एक बच्चे का खिलौना टूट जाता है, उसे लगता है पूरी दुनिया तहस नहस हो गई, प्रलय आ गई, और तुम उस बच्चे से कह भी नहीं पाओगे कि यार खिलौना ही तो टूटा है, तो फिर रो क्यों रहा है इतना? लेकिन वो जहान है उसका, उसकी दुनिया है वो, क्योंकि उसने उसे महत्वपूर्ण बना दिया है। और यही हाल हम सबका है, जैसे बच्चा खिलौने के लिए रोता है, हम स्त्री पुरुष के लिए रो रहे हैं, हम नौकरी के लिए रो रहे हैं, बड़े पैसे के लिए रो रहे हैं, बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मुद्दों के लिए रो रहे हैं, पर ये है सब खिलौने ही। और मुद्दा जितना बड़ा होता जाता है, हमारी सोच उतनी ही ज्यादा गहरी होती चली जाती है, उतनी ही प्रबल होती जाती है, और फिर हमारा मन हमें ये दिखाता है कि जिस चीज के बारे में हम सोच रहे हैं वही तो पूरे संसार का मुद्दा है, और ये सब चीज डाली जाती है समाज द्वारा। जब हम कोई एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ चल रहा है, लेकिन असल में वो हमें दिखाया और हमें बताया जा रहा है कि यही सबसे महत्वपूर्ण है। हर कोई अपनी चीज को महत्वपूर्ण दिखा रहा है। स्त्री के पास जाओगे तो देखोगे वो सिर्फ चमड़ी को महत्वपूर्ण दिखाने की कोशिश करे, सभी स्त्री के बारे में बात नहीं कर रहा, पर ज्यादातर यही चल रहा है। एक लोभी के पास जाओगे तो उसके लिए सिर्फ पैसा महत्वपूर्ण है। जब तुम निरंतर पोर्न देखते हो तो वो पोर्न स्टार निरंतर दिखाते हैं कि सिर्फ देह, ये शरीर ही सब कुछ है, और फिर तुम्हें धीरे धीरे लगने लगता है कि हाँ यही तो एक मुद्दा है, पूरा संसार बस शरीर ही तो है, पूरा जीवन बस देह में लिप्त रहना ही तो होता है, फिर तुम्हें लगता है कि यही सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे एक बच्चे को खिलौना महत्वपूर्ण लगता है, फिर हमें वो देह महत्वपूर्ण लगती है। बात समझ पा रहे हो? और जो मुद्दे हमें महत्वपूर्ण लगते हैं वो हमारी समझ से नहीं है, हमारे अंदर डाले गए हैं। हर फिल्म में आइटम नंबर दिखाए जाते हैं, वो स्त्रियां जब नाचती हैं तो दिखाते हैं कि सिर्फ आकर्षण और लड़की के पीछे रहना ही तो पूरा जीवन है, उसी में तो परमानंद मिलेगा हमें। और ऐसे ही स्त्री को पुरुष की तरफ दिखाया जाता है। हर फिल्म एक्टर क्या कर रहा है, कपड़े उतार रहे हैं। हर बॉडी बिल्डर बॉडी बनाकर क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। सभी को नहीं कह रहा, कलाकारों को बता रहा हूँ। बात समझो, महत्वपूर्ण कुछ है ही नहीं अगर गहराई से सोचो। पर हम में ये धारणा डाल दी गई है कि स्त्री मिलने के बाद ही हम पूर्ण होंगे, के पुरुष मिलने के बाद ही स्त्री पूरी होगी, के ये सूट ये कुर्ता ये चीज ये नहीं पहनी या ये नहीं खाया ये नहीं करा या यहाँ नहीं घूमे ये नहीं जिए तो हम अधूरे हैं। पर असल में वो हमारे मुद्दे है ही नहीं, हमें तो थमा दिए गए हैं। वरना तुम खुद सोचो, हमें कैसे पता कि कोई चीज कितनी महत्वपूर्ण है? कुछ भाइयों को लगता होगा कि इतना पैसा आने पर और ये वाली गाड़ी लेने पर हम पूरे हो जाएंगे। कुछ भाइयों को लगता है कि इस तरह का बंगला ले लूं और इस तरह का काम करने लग जाऊं तो मैं पूरा हो जाऊंगा। उन्हें कैसे पता कि ये चीज मिलने पर पूरा होते हैं? क्योंकि किसी ने कहीं से सोशल मीडिया पर कुछ देखा और किसी ने कहीं फिल्म में कुछ देखा और जोड़ मिलकर कल्पनाएं बना दी, और वो कल्पनाएं वो खुद की मानते हैं और उसके आधार पर ही उन्होंने महत्वपूर्ण चीजों का निर्धारण किया। पर असल में देखो तो कुछ भी महत्वपूर्ण था ही नहीं। हम किसी पड़ोसी को देखकर जल रहे हैं कि उसके पास इतना बड़ा घर कैसे आया, वो जलन कैसे हुई। तुम तो पूरे थे, वो अंदर गई कैसे वो धारणा कि तुम अधूरे हो।
जब तक तुम उसकी जितनी बड़ी कोठी उठा नहीं लोगे तब तक तुम अधूरे रहोगे, ये धारणा आई कैसे? समाज द्वारा, और समाज में अपना परिवार भी आता है। बात समझ पा रहे हो? जो भाई कहते हैं कि पवन भाई हमें तो मेरे दोस्तों ने बिगाड़ा, तुम देखोगे कि वो दोस्त भी वही समाज के हैं। उनसे पूछोगे कि मैं ग्रंथ पढ़ता हूं तो वो कहेंगे अबे पोर्न देखना, यही तो जीवन का सबसे बड़ा रस है। अब मैं यहां इनकी बुराई नहीं कर रहा कि ये पोर्न खराबी खराब नहीं, बता रहा हूं महत्वपूर्ण बनाए गए हैं, और जितना महत्वपूर्ण होते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, उनसे हम बिछड़ते चले जाते हैं। महत्वपूर्ण थे ही नहीं, बनाया गया। और उन सोशल मीडियाओं पर गलत संगत करते हो। अब सोशल मीडिया पर सिर्फ गलत ही नहीं होता, यूट्यूब पर सही लोग भी और गलत भी, इंस्टाग्राम पर नग्न स्त्रियां भी हैं और सही भी, ऐसे ही हर जगह। लेकिन अगर तुम वहां पर भी गलत संगत में जाते हो तो जो भी देखोगे, जो भी कुछ होगा, वो तुम्हें एक मुद्दा देकर जाएगा, और उस मुद्दे का तोड़ मरोड़ करके तुम्हारा मन क्या महत्वपूर्ण बना दे, कुछ कह नहीं सकते। और फिर तुम्हें वो मुद्दा खुद का लगता है कि वो तो तुमने खुद सोचा ना, लेकिन बैठकर गहराई में तो सोचो, आज जो हमें पॉर्न, वो एक्ट्रेस, वो सब कुछ बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक लड़की को लड़का और लड़के को लड़की जो महत्वपूर्ण लग रहे हैं, उनको ये पता कैसे चला कि हम पूरे लड़की मिलने के बाद ही होंगे? फिल्मों ने, गानों ने, कलाकारों ने, एडवर्टाइजमेंट वालों ने डाली गई धारणा, वरना हम अधूरे थे कब भाई? अधूरे तो है ही नहीं, बस अधूरे तो हम तब हैं जब मुक्ति की तरफ नहीं जाते, पर वो बहुत ऊंची बात है। पहले तो इस धरातल पर ही देख लो, अधूरे तुम हो कब? पर हर एडवर्टाइजमेंट, हर मोटिवेशनल स्पीकर, हर वीडियो बस तुम्हें इंस्पायर करने के चक्कर में, बस तुम्हें अधाधुंध बढ़ने के चक्कर में कि इससे पूर्ण हो जाओगे, उससे पूर्ण हो जाओगे, जो एटीट्यूड, जो घमंड तुम दूसरे व्यक्ति को दिखाना भी चाहते हो, वो भी तुम्हारा खुद का नहीं है। धारणा डाली गई, अधूरापन दिया गया कि तुम जब तक ये नहीं करोगे तब तक तुम अधूरे हो। उस अधूरेपन के चक्कर में स्ट्रेस, डिप्रेशन, और फिर उसे रिलीज करने के लिए पोर्न, अधूरापन डाला गया। हम अधूरे थे ही नहीं, कोई कमी नहीं है तुम्हारे जीवन में। अब कमी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अब आगे नहीं बढ़ोगे, पर मुद्दे को समझो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। स्त्री को मिलने के बाद पुरुष पूरा नहीं होता, वरना हर पति पत्नी फिर तो पूरे हैं, फिर तो इन्हें टेंशन क्यों है? क्यों ब्रेकअप, क्यों तलाक, क्यों ये सब क्यों हो रहे हैं? अगर किसी के लिंग को मिलने से वो पूरा हो जाता तो फिर देखो ना अपने घर का माहौल, देखो ना माँ बाप को, देखो ना अपने भैया भाभी को, चाचा चाची को, ताऊ ताई को, देखो कितने पूरे हो गए वो। कुछ भी नहीं हुआ होगा, लेकिन अभी जवानी उभर रही है तो हमें लग रहा है हम तो अधूरे हैं, इसको मिलने के बाद पूरे हो जाएंगे। जो संसार की सबसे हूर परी भी है ना, तुम्हें उसे भी लाकर दे दिया जाए, एक महीने बाद तुम उससे भी अधूरापन महसूस करना शुरू कर दोगे, क्योंकि अधूरे हम ना तो थे और कोई चीज ना तो तुम्हें पूरा कर सकती है, क्योंकि हम अधूरे है ही नहीं। जब भी कोई तुम्हें ज्ञान दे, जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई फिल्म, कोई शॉर्ट वीडियो, कोई भी तुम्हारा इंस्पिरेशन, कुछ भी हो, कोई हीरो जिसे तुम अपना गुरु मानते हो या जिसके तुम फैन हो, कोई कुछ भी बोले, वहां चौकन्ना रहना, देखना वो अधूरापन तो नहीं दे रहा, तुम्हें बता तो नहीं रहा कि ये कार मिलने से, ये पैसा इतना तकड़ा मिलने से तब तुम पूरे हो जाओगे। अगर तुम वहां फिसल गए तो तुम हर जगह फिसलोगे, क्योंकि अधूरा तो तुमने पहले ही मान लिया। अब यहां मुद्दा ये मत समझना कि यहां हमारी वासना के ऊपर या वीर्य के, ब्रह्मचर्य के ऊपर नहीं बोला जा रहा। देखो ब्रह्मचर्य का नाम तो मैं लेता हूं, मुझे भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि वीर्य को हमने ब्रह्म से जोड़ लिया, पर मैं तुम्हारी भाषा में बोलना चाह रहा हूं कि यहां बातें तुम्हारी ही चल रही हैं। जो भी तुम्हारी दिक्कत है उससे जोड़ो जो जो मैंने कहा है अभी तक। हम अधूरे नहीं हैं, धारणा डाली गई है। हर पोर्न स्टार, हर वीडियो तुम्हें यही दिखा रही है कि ये करने से तुम पूरे हो जाओगे। जबरदस्ती स्माइल, खुशी दिखाई जाती है उन वीडियोस में, तुम्हें लगता है शायद हमें भी ये करने से बहुत खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, जीवन सुखमय हो जाएगा, पर कुछ होता नहीं। थोड़ी देर के लिए सुख मिल जाए वो बात अलग है, पर जीवन में आनंद नहीं आने वाला। अगर इससे पूरे हो जाते तो करोड़ों साल से पति पत्नी चल ही रहे हैं, सब पूरे क्यों नहीं होते शादी के बाद? लेकिन हमें साफ साफ दिखता ही नहीं कि धारणा जबरदस्ती डाली गई है। सच एक बार देख लो तो पता चलेगी, तो सारे फालतू की चीजें हैं। क्या हम स्त्री को मिलने से पूरे होंगे? क्या हम पुरुष को मिलने से पूरे होंगे?
अब इसका मतलब ये भी नहीं कह रहा कि तुम शादी ना करना, ये ना करना, वो बात अलग है, वो बात थोड़ी आगे की है। पर ये तो समझो कि शादी करने के बाद भी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि पूरे हम हैं। जितने खोल हैं पहले उन्हें उतारो तो सही अपने ऊपर से। उन्हें उतारोगे तो तुम निखर कर आओगे। लेकिन ये समाज हमारे ऊपर और खोल चढ़ा देता है कि शादी कर लो तो पूरे हो जाओगे, बच्चे पैदा कर लो तो पूरे हो जाओगे, ये घर खरीद लो तो पूरे हो जाओगे, ये गाड़ी खरीद लो तो पूरे हो जाओगे, यहाँ पर घूमे आओ तो पूरे हो जाओगे, इसका शोषण कर लो तो पूरे हो जाओगे। लेकिन पूरे करने के चक्कर में जैसे मिट्टी का तेल पी लेते हैं तो प्यास और बढ़ जाती है, वो वाला चक्कर होता है फिर। और फिर हम पूरी पृथ्वी का शोषण करते हैं, क्योंकि जबरदस्ती अधूरापन पैदा किया जाता है। जबकि वो घास का तिनका तो पहले से ही पूरा था, वो काला इंसान पहले से ही पूरा था, उसे कोई दिक्कत नहीं। वो कम हाइट वाला इंसान पहले से ही पूरा था, उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी अपने जीवन में। बस ये समाज बार बार कह कह करके तू तो अधूरा है, तू अगर काला है और तू अगर गोरा नहीं है तो तू तो बिल्कुल अधूरा है, जाकर चुल्लू भर पानी में डूब जा, सबके अंदर एक गलत धारणा पैदा कर दी गई है। और इस धारणा के चलते हुए जो चीज हमारे लिए वाकई में महत्वपूर्ण है, हम उसके निकट होने के बजाय उससे बहुत पीछे हो गए हैं। ये अधूरापन, इस अधूरेपन के चलते हुए हम ना जाने हर चीज को ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी ये समझ नहीं पाते कि समाज निरंतर बस यही बता रहा है कि अधूरे हो, ये करने से ही पूरे हो गए। और तुम्हारी वो पॉर्न, उस पॉर्न में बस यही दिखाया जा रहा है कि यही करने से तुम पूरे होगे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं। थोड़ी देर के लिए डोपामाइन रिलीज हो जाए वो बात अलग है, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा, पर बात समझो, हमारी चेतना तो पूरे होने की उम्मीद से जाती है वहां कि शायद आनंद अब खत्म नहीं होगा। लेकिन पहुंचने के बाद तुम्हें सब कुछ पता है, अगर स्त्री पुरुष के मिलने से इंसान पूरा हो जाता हो, आनंद भरमार बस बहता रहेगा, तो देखो ना, देखो अपने आसपास, हर स्त्री पुरुष एक उम्र के बाद एक हो ही रहे हैं। देखो अब दिख रहे हैं पूरे, वो जैसे पहले थे वैसे ही वो अब हैं, कोई बदलाव नहीं आया, बस सेक्स मिल गया खाली बस। पर इससे ना वो पूरे हुए ना उनके जीवन में कोई सुधार आया। अब यहां मैं डरा नहीं रहा कि सेक्स से ही विनाश होगा, नहीं, एक बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि हम कैद भी तो होते हैं साथ के साथ। पूरे तुम तभी हो जब तुम ये समझ लो कि अधूरे ही नहीं है हम। ये जो एडवर्टाइजमेंट, ये जो लोग, ये जो लड़कियां, ये जो प्रोड्यूसर हमें दिखा रहे हैं, अधूरे हैं कहां हम। हमें लगता है इस वीडियो को देखने से पूरे हो जाएंगे, उम्मीद अंदर यही है, क्योंकि आंखों पर पट्टी लगा दी गई है अधूरेपन की, और हमें पता नहीं कि पूरे होंगे कैसे। और हमें तो ये भी नहीं पता कि हम अधूरे हैं ही कब। जब भी किसी चीज के प्रति बेचैनी हो, जब भी लगे कि कोई हावी हो रहा है, तो देखो, खुद से पूछो कि मुझे कैसे पता कि ये महत्वपूर्ण है, कि मुझे कैसे पता कि इसको मिलने के बाद मुझे परमानंद मिल जाएगा, मुझे कैसे पता। तो जवाब आएगा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, सब समाज, टीवी, बस इन्होंने ही हमें बताया है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ आया होगा, और अगर नहीं आया समझ में तो कमेंट में बताओ, मैं उस बात का रिप्लाई जरूर दूंगा जो लाइन आपको नहीं समझ आई है। और सवाल पूछो, क्योंकि आज नहीं पूछे तो न जाने कहां पर पट्टी बांध कर आगे बढ़ते रहोगे। और आप सभी को पहले से बता दूं, ये शब्द मेरे नहीं, ये आचार्य प्रशांत जी के ही है। और अगर तुम इससे संबंधित वीडियो देखना चाहते हो, वीडियो का लिंक दे रखा है, आप जाकर देख सकते हो। और जाते जाते एक और बात कह दूं कि मैंने एक गौतम बुद्ध का चैनल खोला है, अगर आप सभी गौतम बुद्ध और उनके शिष्य से कुछ सीखना चाहते हैं, वाकई में सीखना चाहते हैं, तो उस चैनल पर जरूर जाएं। पर वही लोग जाएं जो निरंतर वीडियो को देख सकते हैं, बाकी भाइयों की मुझे जरूरत नहीं है। जिनको अभी अभी जाना है और फिर उसके बाद कोई ध्यान नहीं कि गौतम बुद्ध की वीडियो आई यार देख लूं, उनकी जरूरत नहीं है। जिन्हें वाकई में समझना है केवल वही लोग जाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर देख लीजिए। अगर लगे शेयर करने लायक तो आपसे विनती भी करता हूं कि लोगों तक जरूर पहुंचाइए, अगर लगे शेयर करने लायक। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं मेरे भाइयों। जय श्री कृष्णा।